आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स का एक न्यू चैप्टर दैट इज सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो नाम लिखा वही से पढ़ेंगे, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या है, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और लास्ट में कोलिजन। ये जो चैप्टर है मैकेनिक्स का, एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट होता है। इसमें जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इस पर लगभग हर साल जेई मेन और एडवांस में सवाल आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, जैसे मोमेंटम का कंजर्वेशन एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन, ये अभी से लेकर के क्लास 12 तक जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं यूज़ होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो फ्यूचर में, या मैग्नेटिक फील्ड हो, या मॉडर्न फिजिक्स हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जैसा कि लिखा है उसी सिक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? चलिए, अगर इमेजिन किया जाए कि हमने यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होता है। लेकिन उसकी जगह इमेजिन करो कि अगर हमने एक बॉल जो है ना उसको थ्रो किया, और ये बॉल जो है ना वो स्पिन करते हुए थ्रो किया। जैसे स्पिनर जो होते हैं हाथ में बॉल को टर्न करा लेते हैं, तो बॉल को घुमा करके हमने ऑब्लिकली फेंक दिया, तो ये जो पाथ होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाथ तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर इसके सरफेस पे किसी एक पार्टिकल का पाथ आपसे बोला जाए, तो वो पाथ इमेजिन करो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि एक तो बॉल घूम रही है, ठीक है, स्पिन हो रही है, और घूमते हुए बॉल ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो लगभग जितने भी पार्टिकल इसके सरफेस पे हैं सबका पाथ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन अगर इसके सेंटर पे ध्यान दीजिए, तो इसका सेंटर जो होगा वो सिर्फ एक सिंपल से पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करेगा। इसका मतलब है कि सेंटर के पास एक स्पेशल तरह का, या कह सकते हैं सेंटर जो है इस स्फीयर का, वो एक स्पेशल पॉइंट है जिसका मोशन पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसको ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। नाम से ही इसका मतलब समझ में आता है, मास का सेंट्रल पॉइंट। तो किसी भी बॉडी में या सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां आप एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास वहां कंसंट्रेटेड है, और वो पॉइंट कुछ ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फोर्स लगाने पर उसका जो मोशन होगा वो मोशन पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई बॉडी हो इस तरह का और इसका मास m है, तो इस बॉडी में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो अगर हम इस पूरे मास को एक पार्टिकल से रिप्लेस करना चाहें जिसका मास कैपिटल m ही हो, तो वो पार्टिकल इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा। उसके बाद इस पर जो फोर्स लगाने से जो मोशन होगा या एक्सलरेशन होगा, इस पर भी फोर्स लगाने से उसी तरह का मोशन और एक्सलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ आएगा। मतलब एक रिजिड बॉडी को या एक बड़े बॉडी को एक पार्टिकल से आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वो पार्टिकल उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा हो। तो ये तो बेसिक नॉलेज हुआ कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है। अब आती है बात कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करें, क्या ऐसे अंदाजे से थोड़े बता देंगे कि कहाँ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यह हुआ कि देखिए, एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उसी पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हो, 2, 3, 4, 6, तब सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है। तो सपोज एक्स वाई और बाहर की तरफ, या जेड एक्सिस जो होगा वो मेरी तरफ होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। यहां एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास एम वन है, और एक पर्टिकुलर चूजन ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर आर वन है। इसी तरह से इधर एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m2 है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, और इसी तरह से m3 m4 करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हम चाहते हैं कि इन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाले,
तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस जितने भी पार्टिकल हैं उनका एम एन आर एन, सारे का एम इन टू आर लिख करके ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री करके एम एन तक। ठीक है, तो ऊपर में ये जो टर्म लिखा गया ना एम वन आर वन एम टू आर टू एम थ्री आर थ्री, इसको बोलते हैं मास मोमेंट, मास मोमेंट। ठीक है, और नीचे में जो ये सारे पार्टिकल्स का मास ऐड कर रहे हैं दिस इज बेसिकली मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास है। अब जब m1, m2, m3, m4 खूब सारे पार्टिकल हों तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये जो RCM है ये क्या बता रहा है, ये RCM इसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा पोजीशन वेक्टर का ये तो i कैप j कैप k कैप में आएगा, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट सिर्फ निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है दैट मींस कि हम इंटरेस्टेड हैं इसका x y z कोऑर्डिनेट निकालने में, तो इसका x कोऑर्डिनेट सपोज xcm है, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ycm है, तो z कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा zcm, उसी तरह इनका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 फिर अगले का x3 y3 z3। तो अगर सिर्फ आपको xcm निकालना है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज क्या करना है कि अब आर वन की जगह लिख देना है एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एंड सो ऑन अप टू लास्ट पार्टिकल एम एन एक्स एन। ठीक है, और नीचे में वही होगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन, दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसी तरह से अगर YCM निकालने में हमें इंटरेस्ट है तो सेम काम करना है, क्या लिखना है M1 X1 की जगह Y1 हो जाएगा, M2 Y2 प्लस MN YN, अगेन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस MN। ठीक है, इसी तरह से सेम तरीके से ZCM भी आ जाएगा। RCM जब आएगा आपका तो RCM का जो पोजीशन वेक्टर आता है, ठीक है, RCM जब आप निकालोगे तो ये सब i, j और k में लिखोगे, जैसे R1 की वैल्यू, जैसे इसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका भी कुछ होगा, तो XCM जो फाइनली आता है ना वो असल में यही आता है XCM i कैप, RCM की वैल्यू एक आएगा, फिर YCM j कैप और प्लस ZCM k कैप। ठीक है, तो जब RCM आता है तो इसमें ऑलरेडी ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक सिवाई या सिर्फ z कोऑर्डिनेट पूछा है तो इसके बजाय हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। नाउ ये जो बहुत सारे पार्टिकल हमने लिया m1 m2 कहीं m3 m4 m5, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आया। ठीक है, अगर सारे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, सारे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है तो सबका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा और उसके पास सिर्फ एक्स सी एम और वाई सी एम होगा, जेड सी एम जीरो होगा। ठीक है, सपोज कर लो कि सारे पार्टिकल एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, सारे पार्टिकल एक्स एक्सिस पे, तब क्या होगा कि सबका वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी जो होगा वो भी एक्स एक्सिस पे ही आएगा। ठीक है, और अगर सारे पार्टिकल y एक्सिस पे होंगे तब उनका सेंटर ऑफ मास भी सिर्फ y एक्सिस पे आएगा। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी जो अभी हमने पढ़ा। सपोज ये एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन में हमारे पास चार पार्टिकल हैं जो एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। सपोज दिस इज वन केजी, दिस इज टू केजी, दिस इज थ्री केजी, ठीक है, और एक यहाँ है।
फोर के जी, तो टोटल चार पार्टिकल हो गए। ये जो स्क्वायर है इसका साइड जो है सपोज कर लो ए ले लेते हैं, तो हमसे बोला गया कि ये जो सिस्टम है चार पार्टिकल्स का, इनका सेंटर ऑफ मास लोकेट कीजिए, ठीक है, लोकेट सीएम सेंटर ऑफ मास। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए वी हैव टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन तो ये है कि हम पोजीशन वेक्टर यूज करें, पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे तो तब हमें जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप आएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग निकाले और वाई अलग निकाले। तो हम लोग करते क्या है कि दूसरे ऑप्शन से चलेंगे, चूंकि चारों पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो सबका जो है जेड कोऑर्डिनेट जीरो है। तो बाकी जो अगर कोऑर्डिनेट देखें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा जीरो, ये तो ओरिजिन पे है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा ए, और इसका भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो कॉमा ए, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ एक्स सी एम निकालना चाहते हैं तो एक्स सी एम निकालने का मतलब एम वन एक्स वन, तो अगर हमने इसको एम वन लिया तो एम वन इंटू एक्स वन का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है। एम टू एक्स टू, तो टू इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। एम थ्री एक्स थ्री, एम थ्री ए हो गया और इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी ए है। एम फोर आपका फोर के जी हो गया और उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए जीरो है, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ठीक है। तो ये ऊपर में आ गया टू प्लस थ्री फाइव ए, और यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका टेन, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का ए बाई टू पर। सिमिलर प्रोसेस हम यूज करेंगे वाई सी एम के लिए, ठीक है। वाई सी एम के लिए क्या करना है कि सबका वाई कोऑर्डिनेट का सम करना है, एम वन वाई वन एम टू वाई टू। तो पहले वाले का तो देखिए जीरो हो जाएगा, दूसरे वाले का भी जीरो हो जाएगा, क्यों, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तीसरे वाले का वाई कोऑर्डिनेट ए है तो ये हो जाएगा थ्री ए, और इसका भी देखिए वाई कोऑर्डिनेट ए है दैट इज फोर ए, और नीचे में मास तो आपका टोटल टेन होगा, ठीक है। फाइनली ये आ जाएगा आपको सेवन ए अपॉन टेन। तो अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देखना है तो अंदाजा यहाँ से लग जाएगा एक्स सी एम ए बाई टू, तो ये जीरो ये ए तो ये कहाँ आ रहा है, बीच में ए बाई टू। वाई सी एम जो है ना सेवन ए बाई टेन है, मतलब पॉइंट सेवन ए, अगर ये टोटल डिस्टेंस ए है तो वाई सी एम पॉइंट सेवन ए, मतलब बीच में पॉइंट फाइव ए होगा, उससे थोड़ा ऊपर यहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है, इसका मतलब हम चाहें तो ये जो चारों मास है चारों पार्टिकल को जो ऐड करके एक सिंगल पार्टिकल बना सकते हैं जिसका मास होगा 10 केजी और उसे हम यहां रख देंगे, ठीक है। उस मास का मोशन इन चारों के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पार्टिकल में अब आइए एक और केस लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे मास 2m है, यहाँ पे मास m है और यहाँ पे भी मास m है, इसका साइड जो है वो l है एंड दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस सिस्टम का बोला जाए कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, लोकेट सेंटर ऑफ मास। तो लोकेट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ओरिजिन लेना होगा और उसी हिसाब से बताना होगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सपोज हम क्या करेंगे कि इसको एक्स ले लेते हैं सिंपली, सिंपल रखने के लिए, और इसको वाई, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कोऑर्डिनेट तो हो गया एल कॉमा जीरो, ठीक है। ये लेंथ भी जो है आपका ये एल है और ये एंगल आपका 60 डिग्री होता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो एल कॉस 60 आएगा, एल cos 60। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू l sin 60, ठीक है। तो इसे आप l बाई टू और रूट थ्री एल बाई टू
ऐसे रख सकते हैं। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, एक्स सी एम अलग निकालेंगे, वाई सी एम अलग। एक्स सी एम निकालने जाएंगे एम वन एक्स वन, तो देखिए यहां पर एक्स जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। एम टू एक्स टू तो एम इन टू एल हो गया, और एम थ्री एक्स थ्री तो एम थ्री हो गया एम, और एक्स उसका है एल बाई टू तो एम एल बाई टू। ठीक है, नीचे में हम टोटल मास लिखेंगे जो कि कितना हो गया 4m। अब ये जो m है ये कैंसिल हो जाएगा, l प्लस एल बाई टू 3l बाई टू होता है, तो ये आ जाएगा आपका 3l बाई टू इंटू फोर एट, तो 3l बाई एट। अगर हम ycm निकालना चाहते हैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, m1 y1 तो जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट जीरो, देखिए m2 y2 भी जीरो होगा, और हमारे पास आता है फिर ये m3 y3 करेंगे अगर, तो इसका y कोऑर्डिनेट है रूट थ्री एल बाई टू, तो दिस इज m इंटू रूट थ्री एल बाई टू। नीचे अगेन सेम 4m टोटल मास, और यहां से भी आप जो है मास जो है वो कैंसिल कर दीजिए, सो यहां से आपका क्या आ जाएगा रूट थ्री एल बाई फोर इंटू टू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये जो आंसर आया अगर इसमें हम प्लॉट करना चाहें तो 3l बाई एट कहाँ होगा, तो 3l बाई एट ऐसे समझिए कि 4l बाई एट होता तो l बाई टू हो जाता, मतलब आधा, आधा से थोड़ा पहले, तो ये आधा है उससे थोड़ा पहले। ठीक है, रूट थ्री एल बाई एट भी हल्का सा ऊपर होगा तो ये कहीं इधर आएगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास की दूरी ओरिजिन से निकालनी हुई r, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये ऐसे निकाल लेंगे कि अंडर रूट एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये r आ जाएगा। दूसरा आपको एक और कॉमन कॉन्सेप्ट बताते हैं जो अभी आगे हम लोग यूज करेंगे। सपोज सिर्फ ये दो पार्टिकल होते हैं m और m, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आता वो इसी लाइन पर कहीं आता बीच में। ठीक है, तो m और m को मिला करके मिडिल में रख देते 2m, और 2m और 2m का मिला करके फिर इनके बीच में आता, तो देखने से भी ये लग रहा है कि कहीं बीच में ही आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का इन बिटवीन द या इन साइड द सर्किल ही कहीं पर आएगा। एक और कॉमन सेंस की बात बता दें, अगर ये तीनों के तीनों मास इक्वल होते, सपोज m m m, तो इनका सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे आता। अगर यहाँ भी चारों पार्टिकल का मास इक्वल होता, चाहे वो सबका 1 kg हो या सबका 2 या सबका 4 kg, तो इनका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आता, मतलब सिमेट्रिक होता है।